नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। 17 राज्यों के 51 सीटों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान, एग्जिट पोल में भारी पड़ा मोदी फैक्टर। उपचुनाव में मोदी बैंड का रहा जलवा, एग्जिट पोल में एनडीए की जीत के आसार। कमलेश तिवारी की हत्या के बाद हिंदूवादी नेताओं को सताने लगा मौत का डर, साध्वी प्राची ने मांगी सुरक्षा। हरियाणा में एक बार फिर खट्टर की सरकार, एग्जिट पोल के अनुसार जीत के आसार। अर्धसैनिक बलों के जवानों को गृह मंत्री का सौगात, अमित शाह ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा सुनिश्चित करें साल में 100 दिन परिवार के साथ बिताए जवान। महाराष्ट्र में भगवा लहर, एग्जिट पोल के अनुसार फिर से एनडीए की सरकार। कलिक भगवान के बेटे के घर पर पड़ा छापा, 44 करोड़ का कैश, 20 करोड़ के डॉलर, 90 किलो सोना बरामद। आजम खान के घर के नजदीक पकड़े गए फर्जी बूथ एजेंट से पूछताछ में जुटी पुलिस। कांग्रेसी नेता मनु सिंघवी ने सावरकर को बताया देशभक्त, कहा देश की आजादी के लिए गए थे जेल। सड़क किनारे मुर्गे और बकरे की दुकान पर सख्त हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीएम और एसपी को दिए निर्देश, दुकान हटाने की कही बात। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में यूपीए के दूसरे कार्यकाल के मुकाबले ज्यादा अल्पसंख्यक छात्रों को मिली छात्रवृत्ति, मोदी के पहले कार्यकाल में 20 लाख से ज्यादा छात्रों को मिला लाभ। अर्थव्यवस्था को लेकर नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने दिया सुझाव, प्रधानमंत्री किसान योजना में बदलाव की दी सलाह। कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा, हिंदू समाज पार्टी में शामिल होने के लिए आरोपी अस्फाक ने बनवाया था फर्जी आधार कार्ड। नोटबंदी और जीएसटी के बाद मजदूर बनने को मजबूर हुए देश के युवा, मनरेगा में 10 से 30 साल के मजदूरों की बढ़ी संख्या। भारतीय रेलवे ने रद्द की 241 ट्रेनें, रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं रद्द ट्रेनों की लिस्ट। आईआईटी खड़गपुर में 2021 शैक्षणिक सत्र में शुरू हो रहा है एमबीबीएस कोर्स, 50 छात्र ही ले सकेंगे एडमिशन। हिंदूवादी नेता, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी को मिला जान से मारने की धमकी, बुरके में आई थी महिला ने दी चिट्ठी। कमलेश तिवारी हत्याकांड में फरार हत्यारों का सामने आया वीडियो, शाहजहांपुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हत्यारा। पति को तलाक देकर दामाद के साथ लिव इन में रह रही थी सास, सास शाहीन को दामाद शाहरुख ने गला रेत कर की हत्या, भोपाल का है मामला। केरल के 7 राज्यों में रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।